नमस्ते मेरे प्यारे दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने योगिता इंडियन किचन में। दोस्तों, दिवाली में मिठाई और नमकीन की रेस में मेरे ख्याल से नमकीन डिश हमेशा बाजी मार जाती है। तो इसी रेस में आज हम शामिल करने वाले हैं कुरकुरी और तीखी ऐसी लहसुन की सेव, जिसे बनाने में बहुत ही कम टाइम लगता है। तो चलो फिर झटपट से बनाते हैं कुरकुरी लहसुन सेव। सबसे पहले हम ड्राई मसाले भून लेते हैं। यहाँ मैं डाल देती हूँ एक छोटा चम्मच साबुत धनिया, आधा छोटा चम्मच अजवाइन और एक छोटा चम्मच जीरा। इन सभी चीज़ों को करीबन एक मिनट तक भूनेंगे, जब तक इसमें से अच्छी सी खुशबू नहीं आ जाती। अब इसे ठंडा होने के बाद दो बड़े चम्मच पानी डालकर बहुत ही बारीक पीस लेते हैं। अभी एक बाउल में चाय की छन्नी की मदद से करीबन दो बड़े चम्मच लहसुन का पेस्ट छान लेते हैं। हमें सिर्फ लहसुन का पानी चाहिए। दोस्तों, इसे छानते समय ध्यान रखें कि हमें इसमें कम से कम पानी डालकर लहसुन का फ्लेवर निकाल लेना है। यहाँ मैंने करीबन तीन बड़े चम्मच पानी डाला है। अभी छन्नी में बचे लहसुन को फेंक देंगे और उसी छन्नी में हमें जो धनिया, जीरा और अजवाइन का पेस्ट बनाया था वो छान लेंगे। इसमें भी हमें कम से कम पानी डालना है। अब ये हो गया है, इसे साइड में रख देते हैं। अभी सेव बनाने के लिए एक बर्तन में डाल देंगे दो कप बेसन, एक बड़ा चम्मच लाल मिर्च पाउडर, आधा छोटा चम्मच हल्दी पाउडर, चुटकी भर हींग पाउडर और स्वाद के अनुसार नमक। इन सभी चीजों को अच्छे से हम मिलाएंगे और इसमें डालेंगे दो बड़े चम्मच गरम तेल का मोयन। हमें इस तेल को बेसन के साथ अच्छे से मिलाना है। इस प्रोसेस को अगर आप हाथों से करोगे तो अच्छा होगा। आप यहाँ पे देख सकते हो, ऐसा मॉइस्ट बेसन हमें मिल गया है। अभी हम इसमें डालेंगे अपना तैयार किया हुआ लहसुन और मसाले का पानी और जरूरत पड़े तो थोड़ा थोड़ा पानी डालकर इसका आटा गूंथ लेते हैं। हमें इसे ज्यादा मोटा या फिर ज्यादा पतला नहीं करना। अभी हाथों में थोड़ा सा तेल लगाकर इसके ऊपर लगा देते हैं। आप यहाँ पे देख सकते हो कि ऐसा ही हमें चाहिए। अभी सेव बनाने के लिए हमें ऐसे छोटे जाली का अटैचमेंट चाहिए। अभी इसको अच्छे से तेल लगा देती हूँ ताकि हमारा आटा इसको ना चिपके। अभी अपना तैयार आटे को इसमें अच्छे से दबा के भरना है और ऊपर का कवर लगा देना है। सेव को तलने के लिए तेल को हमें मीडियम फ्लेम पर अच्छे से गर्म करना है और सेव को तेल में डालना है। दोस्तों, एक चीज का ध्यान रखें कि सेव डालते समय अपने हाथ तेल से थोड़ा ऊपर रखें, ताकि सेव डालते समय जो स्टीम बनती है वो आपके हाथों पे ना आए। इसे पकने में ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। करीबन आधे मिनट के बाद हम इसे पलट देते हैं और जब तक इसमें से बुलबुले अपने आप खत्म ना हो जाए इसे तल लेंगे। अभी ये हो गया है, इसे निकाल लेते हैं। दोस्तों, आप इसे ऐसे भी खा सकते हो या फिर इसका स्वाद बढ़ाने के लिए इसका मिक्सर भी बना सकते हो। अभी मिक्सर बनाने के लिए मैं उसी तेल में थोड़े से मूंगफली 1 से 2 मिनट के लिए फ्राई कर लेती हूँ। उसी के साथ साथ हमें फ्राई करना है थोड़ा सा कड़ी पत्ता और थोड़ा सा क्रश किया हुआ लहसुन। अभी इन सभी चीजों को हमें सेव में डालना है, लेकिन उससे पहले सेव को क्रश करते हैं। क्यों, आपने सुना तो होगा ही कितनी करारी सेव बन चुकी है। तो बस इसमें अभी अपने फ्राई किया हुआ लहसुन, कड़ी पत्ता और मूंगफली को डाल देते हैं। इसे अच्छे से मिक्स करते हैं।
बस दोस्तों, रेडी हो चुकी है अपनी कुरकुरी और स्वादिष्ट ऐसे लहसुन की सेव। इसे आप घर पे ऐसे जरूर बनाइए और इस बढ़िया सी नमकीन का आनंद उठाइए। दोस्तों, जैसे मैं हमेशा कहती हूँ, खाना बनाना एक सुकून का काम है, तो जो भी बनाओ दिल से बनाओ, स्वाद अपने आप आ जाएगा। आप आपके दिल की प्यारी बातें मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए और मेरे परिवार का हिस्सा बनने के लिए अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। मैं ऐसे ही मिलती रहूँगी आपको अगले वीडियो में बढ़िया सी रेसिपी और स्पेशल टिप्स के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।